दोस्तों आज हम बात करते हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में कि ज्यूरिसप्रूडेंस में कितने तरह के स्कूल्स हैं, इनकी क्या थ्योरीज हैं। दोस्तों हमेशा की तरह वेलकम इन आवर चैनल लॉ मैग्नेट, जहां हम लॉ से रिलेटेड आपको नॉलेज देंगे, जो LLB का जो कोर्स है उसके डिटेल में बताएंगे कि उस कोर्स के इसके अंदर क्या है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल और अपने रिलेटिव्स में जो LLB कर रहे हैं उनमें आप शेयर कर सकते हैं। ये लिस्ट हमें बताती है LLB 1 ईयर 1 के सब्जेक्ट के बारे में, सेमेस्टर 1 में, जिसमें ज्यूरिसप्रूडेंस जो है ये हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में सभी ज्यूरिस के नाम दिए गए हैं, ऑलमोस्ट है 80% ज्यूरिस के नाम दिए गए हैं, ये कब इनकी बर्थ हुई, कब डाइड हुए और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप किसी भी ज्यूरिस के बारे में आप बता सकते हैं ये इस कंट्रीज में से था, जब आपके पास पेपर लिखने के लिए आएगा तो आप उसमें ये चीज मेंशन कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है। हम सभी जानते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस जो है ये स्टडी है थ्योरीज और फिलोसफीज ऑफ लॉ की, कि लॉ की जो स्टडी हुई है, क्या थ्योरीज हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या ज्यूरिस ने कहा है उसके बारे में स्टडी है। इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरीज एंड फिलोसफीज ऑफ लॉ देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड अवर लॉ। अगर हम ये थ्योरीज और फिलोसफी समझ जाए तब हम अपने लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देयर आर मेनी कैटेगरीज इन ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर कई तरह की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है एनालिटिक ज्यूरिसप्रूडेंस, सेकेंड है नॉर्मेटिव ज्यूरिसप्रूडेंस। एनालिटिक ज्यूरिसप्रूडेंस में बात करते हैं कि लॉ क्या है, और नॉर्मेटिव ज्यूरिसप्रूडेंस में हम बात करते हैं कि लॉ किस लिए बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य था। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में। तो स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है कि ये अलग अलग ज्यूरिस ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, फिलोसफीज दी हैं, उनको कंपाइल करके उनकी सेग्रीगेट कर दिया गया है, उसे ही स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस कहा जाता है। ये लिस्ट हमें बताती है कि कितनी तरह के ज्यूरिसप्रूडेंस में स्कूल्स हैं। पहला है फिलोसफिकल स्कूल, जिसे नेचुरल लॉ भी स्कूल कहा जाता है। दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, इसे पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। तीसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा है सोशियोलॉजिकल स्कूल और पांचवा है रियलिस्ट स्कूल। यहाँ इन सभी ज्यूरिस के नाम लिखे हुए हैं कि इन्होंने किस स्कूल से ये बिलोंग करते हैं, स्कूल्स यानी क्या सिद्धांत इन्होंने दिया है जिसको उन्होंने इस स्कूल के अंदर रखा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी कि किसी भी ज्यूरिस के बारे में बताने में कि ये किस स्कूल में थे, ये किस स्कूल से इन्होंने के बारे में हमें बताया है ज्यूरिसप्रूडेंस के। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पहले स्कूल फिलोसफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ के बारे में। ये ज्यूरिस बिलीव करते थे कि लॉ की जो ओरिजिन हुई है वो भगवान से हुई है। हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने हमसे जो भी कहा है वो एक तरह से मिथ है, इसका कोई रिटर्न में तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हम पहले से मानते हुए, हमारे पूर्वज मानते हुए चले आ रहे हैं, हमारे बड़े मानते चले आ रहे हैं, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं। इस स्कूल का जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें इंडियंस, ग्रीक और रोमन्स का रहा है। इंडियंस का इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, तो इसे ही कहा जाता है कि ये सुप्रीम पावर की तरफ से हमें मिला है, जो हमारे वेदों में लिखा है हम उसे ही फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर भारतीयों, यूनानियों, रोमन दोनों तीनों का ही योगदान रहा है। हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में। जॉन ऑस्टिन जो कि एक ज्यूरिस थे, ये इसके क्रिएटर भी थे और फाउंडर भी थे, इन्होंने इसे क्रिएट भी किया और इसकी इन्होंने फाउंडेशन भी डाली। दूसरे ज्यूरिस थे जैनथिन बेंथम, इन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है इसके बारे में इन्होंने लिखा। तो जॉन ऑस्टिन जो है वो क्रिएटर और फाउंडर हैं और जर्मी बेंथम जो है वो इसके ऑथर थे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्कूल इज पॉजिटिव लॉ, जो इसका सब्जेक्ट, जो इसका बेसिक है वो है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ के अंदर क्या है कि जो चीज कह दी गई है, जो चीज लॉ के अंदर है कि हमें जिस तरह से करना है, अगर हम उसी तरह से कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव लॉ है, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव लॉ है, अगर हम लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात करते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरिन, लॉ जो है वो सोवरिन की कमांड है। सोवरिन को आप ये कह सकते हैं कि पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे या उनकी संसद जो होती थी, वो लोग जो थे
वही लोग रूल बनाते थे और प्रजा उसको फॉलो करती थी। तो वो जो थी सोवरिन थे, वो कमांड थी, सर्वोच्च कमांड। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन लीगल रूल्स, जो लीगल रूल्स पे बेस्ड है। इट एग्जामिन द लॉ इन ए साइंटिफिक मैनर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरल्स एंड एथिकल एलिमेंट। एनालिटिक स्कूल जो है वो जो लॉ को जो है वो वैज्ञानिक तरीके से जांचता है कि इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरह से ये काम करता है। एनालिटिक स्कूल का ये पर्पज है और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि ये नैतिक और अनैतिक, नैतिक वैल्यू को वैल्यूज देता है। ये नैतिक यानी जो मोरल्स हैं हमारे, कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करें, गरीबों को मदद करें, ये हमारे नैतिक रूल्स हैं जो हमारे वेदों ने बताया है, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सोवरेन कमांड है। हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। सेविग्ने जो थे वो इसके फाउंडर थे हिस्टोरिकल स्कूल के। उनका मानना था कि लॉ जो है वो सोसाइटी की नीड्स पे बनता है और ये चेंज होता रहता है सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारी जो आदतें और हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हिस्टोरिकल स्कूल के जो है मेन सोर्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं उसके। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते थे वॉल्स जिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो जनरल विल है, यानी जो जनरल विल और फ्री विल है कॉमन पीपल की। जनरल विल यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कि उनकी इच्छा से बनता है, इच्छा और स्वतंत्रता से लॉ बनता है। अगर पब्लिक चाहेगी तो लॉ बनेगा। तो अगर हम कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जिसके अंदर 80% पब्लिक उससे हैप्पी है तो वो लॉ है। इन्होंने ये भी कहा कि लॉ जो है एक नेशनल कैरेक्टर है। एक लॉ रिप्रेजेंट करता है कि वो राष्ट्र का चरित्र, चरित्र पर डिपेंड करता है, कि एक लॉ रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री के चरित्र के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल की जो स्टडी थी वो सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है पब्लिक का, कैसे प्रजा का जैसे सोसाइटी के साथ रिलेशन है, उसकी स्टडी के बारे में बताता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशल स्कूल के जो जूरिस्ट थे उनका व्यू था कि लॉ जो है वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कि लॉ से ही लॉ जो है एक एजेंसी की तरह होता है जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है। इसको हम इस तरह से कह देते हैं कि लॉ जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी नीड्स के लिए, यानी एक सिंगल के लिए और सोसाइटी के जो नीड्स हैं, जो एक कई लोगों से मिलकर जो सोसाइटी बनती है उसके नीड्स को जो है फुलफिल करता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड मिनिमम फ्रिक्शन। इसका मतलब यह है कि अधिकतम संतुष्टि हो और न्यूनतम घर्षण हो, यानी लोगों के बीच में जो हो मैक्सिमम हैप्पीनेस हो लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन हो। तो लॉ इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर मैक्सिमम लोग जो है उससे खुश होने चाहिए और मिनिमम अगर उससे के बीच में अगर विरोधाभासी है तो भी वो बन जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग जो है उससे अगेंस्ट है तो वो लॉ नहीं होगा, उसे लॉ नहीं कहा जाएगा। दिस मेथड इज ऑल्सो डिस्क्राइब द साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। आप हर जगह सुनते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कि समाज के अंदर डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ को अपडेट करना होता है। लॉ उसके साथ सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग अपडेट होना लॉ का बहुत जरूरी है, उसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट स्कूल है हमारा रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल के बारे में कहा जाता है कि रियलिस्ट स्कूल जो है वो हमारा आइडियलिज्म जो पहले से हमारी थ्योरी चली आ रही है उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसके बारे में तो सब जूरिस कुछ कह जूरिस ये भी कहते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल का पार्ट नहीं है। रियलिज्म ये कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल लीगल रूल्स जो चले आ रहे हैं उस पे फोकस कम होना चाहिए और कोर्ट जो एक्चुअली डिसीजन देता है उसके बारे में हमें ये ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कोर्ट किस तरह से अपने डिसीजन दे रहा है। इसको इसको इसके बारे में और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ये एक जूरिस्ट है जस्टिस होम्स। इन्होंने कहा कि लॉ जो है एक मैथमेटिक्स नहीं है, कि हमेशा 2 + 2 = 4 नहीं होता है। लॉ इज नथिंग बट ए प्रिडिक्शन। लॉ जो है वो एक आपकी भविष्यवाणी की तरह है। इनके अनुसार लॉ जो है वो लॉ का जो लॉजिक है वो लाइफ के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, कि
कि जजेस जब डिसीजन देते हैं तो उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस भी होता है कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनके सामने किस तरह से हियरिंग हुई है, या जो डिस्कशन करे हैं एडवोकेट्स ने वो किस तरह से करे हैं, ये सब उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। इन्होंने अपनी थ्योरी को और समझाने के लिए इन्होंने एक बैडमैन की थ्योरी दी, बुरे आदमी की एक थ्योरी दी, जिसे बैडमैन फेसिंग ट्रायल कहते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो एक बुरा आदमी होता है वो क्या रिजल्ट होने वाले हैं, क्या जज डिसीजन देने वाला है, वो पहले से बता सकता है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल पीपल, क्योंकि उसे पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। तो उस तरह से इन्होंने अपने ये एग्जाम्पल देके अपनी थ्योरीज का सपोर्ट किया कि लॉ शुड बी लुक्ड फ्रॉम बैडमैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमें बुरे आदमी जिस तरह से उसका थिंकिंग होती है, क्या उसका एक्सपीरियंस होता है, हमें लॉ को उस तरह से भी सोचना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष में कि ये सारे स्कूल का उद्देश्य क्या है और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकला हमें ये सब पढ़ के। हम इस तरह से समझे हैं कि जो लॉ की जो स्टडी है उसको करने के तो अलग अलग तरीके हैं, पांच स्कूल हैं, उनके अंदर कई जूरिस हैं, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं, थ्योरीज दी हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि कानून बनाने से पहले और कानून को समझने के लिए हमें कानून को बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम कानून के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम लॉ के बारे में सही तरीके से अपनी स्टडी नहीं कर सकते। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल लॉ मैग्नेट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने अपने इसे दोस्तों में, अपने कलीग्स में, अपने रिलेटिव जो एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।